हेलो दर्शक, आज हम लोग जानेंगे कि एल्युमिनियम के दरवाजे में कब्जे को कैसे गलाया जाता है, और जो भी भाई लोग हमारे इस लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो हो सकता है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक जानकारी इसमें प्राप्त करें और हमारे नए नए वीडियो के लिए उससे अपडेट होते रहें। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे इसको कब्जे को गलाया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग एल्युमिनियम के गेट को बनाने के बाद जिसका साइज लेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमें कब्जा कौन सा लगाना है, 3 इंची का, 4 इंची या 5 इंची का। 5 इंची का कब्जा जनरली हम लोग गेट में लगाते हैं, जो प्लाईवुड का गेट होता है या फिर जो लकड़ी का गेट होता है उसमें हम लोग 5 इंची कब्जा लगाते हैं। एल्युमिनियम इस मुकाबले में काफ़ी हल्का होता है, इसलिए हम लोग जनरली इसमें 4 इंची या 3 इंची कब्जा लगाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग उस जितने एरिया का कब्जा है उसको हम लोग हटा नहीं रहे, काट के हटा नहीं रहे हैं, बस काट के उसको वहीं पे नीचे ठोक दिया कि एक और नया परत बन जा रहा है, इसके कारण कब्जा को ठोकने में भी आसानी होगी और उस पर काम करने में भी अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग एक कब्जा लेंगे और उसमें सब जगह निशान लगा लेंगे कहाँ कहाँ हमें उसमें छेद करना है, और हम लोग ये सिर्फ एक पेन के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसलिए कुछ नए चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। और फिर धीरे धीरे हम लोग तीन जगह हम लोग उसका निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम लोग हैमर मशीन निकालेंगे, हैमर मशीन से इसमें हर जगह हम लोग छेद कर लेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से तीनों कब्जों को टाइट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया पहले से सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं।